something's moving, something's changing. See his glory, feels like heaven on earth. This brother here was paralyzed for 2.5 years. और 2.5 साल से इन्हें लकवा हो गया था. Tonight Jesus touched him. आज की रात प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें छुआ. You can see him walking. आप इन्हें चलते हुए देख रहे हैं. चलिए. Come on, people, you don't seem happy. 2.5 years the devil held him, and tonight Jesus healed him. और 2.5 साल से शैतान ने बंदी बनाए रखा था, आज की रात प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी. Give the Lord a big clap and praise him. Come on, everybody. जोर से तालियां बजाएं, प्रभु की बड़ाई करें. बताइए आप क्या हुआ? मेरा कौन था अभी? आज वो पैर चलने लगे मेरे. इससे पहले नहीं चल पा रहे थे? बिल्कुल नहीं. बिना इसके सहारे के आप नहीं चल पाते थे? नहीं पाते थे. और अब? अब चल पा रहा हूँ. अच्छा. Give the Lord a clap and praise. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Father, I give you the glory for the miracle you did. I bless him with all my heart in Jesus' name. Amen. 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 एक काम कीजिए, इसको पकड़ो. पकड़ के चलिए अभी. चलो. ऊपर उठा के चलो. ऊपर उठा के चलो. ऊपर उठा के चलो. उठाओ. ऊपर उठाओ. 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 चलो. This brother here, ये जो भाई है यहाँ, he had a huge tumor on his right thigh. और इनके दाहिनी जांघ पर एक बहुत बड़ी गांठ सी थी. Because of that, he couldn't walk, he couldn't sit, he could not move around. उसकी वजह से ये बैठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे. Tonight Jesus touched him. आज की रात यीशु मसीह ने इन्हें छुआ. The tumor disappeared without a trace. और अब वो गांठ बिल्कुल गायब हो गई. आपको क्या तकलीफ थी, बोल के बताइए. फोड़ा हो गया था 2-3 महीने से. उसकी वजह से मैं उठ बैठ नहीं पाता था और दर्द हमेशा रहता था. उसकी वजह से रात को नींद भी नहीं आती थी. अब भी यहाँ पे अभी एकदम ठीक हो गया. फोड़ा भी खत्म. अभी बिल्कुल कुछ नहीं है. कुछ बैठ के बताइए. पहले ऐसे नहीं बैठ पाते थे. बैठ ही नहीं पाते थे. नो पेन. अब कोई दर्द है? नहीं, कोई दर्द नहीं है. Give the Lord a big clap and praise him. आइए तालियां बजाकर प्रभु की बड़ाई करें. Thank you, Lord, for the miracle you did. We give you the glory. प्रभु जो चमत्कार आपने किया उसके लिए. In Jesus name. यीशु के नाम में. आपका नाम? भारती विजय यादव. क्या हुआ? मेरा हाथ में गांठ थी. कौन से हाथ में? अच्छा, इधर गांठ थी. कल आए तो कल से गायब हो गए. कल से गायब हो गई? मुझे ये गांठ कब से थी? 3 साल. 3 साल से थी. और अभी? अभी दिखाओ जरा. बहुत बड़ी थी, ऐसे दिखाई दी? बड़ी थी, दिखती थी. कितनी बड़ी थी, फिर से बताएं कितनी बड़ी? बड़ी थी. ओ. वो दबाते तो वो बहुत कड़क थी. अच्छा, दबाते थे तो कड़क ना. और अभी? अभी हो गए. For 3 years she had a huge tumor on her left hand. और इनके बाएं हाथ में एक बड़ी गांठ थी. And last night when she came, और जब पिछली रात यानी कल जब ये यहाँ पर आई थी, the tumor disappeared. और वो गांठ जो है हाथ की वो गायब हो गई. And there is no trace of it. और अब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही. Give the Lord a big clap and praise him. Thank you, Lord, for the miracle. We give you the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Now listen. Now we talk about Jacob. अब हम जो है याकूब की बात करते हैं. Jacob deceived his father. और याकूब ने धोखे से अपने पिता से आशीष ली. And then Jacob left his father. और फिर याकूब जो है वो अपने पिता को छोड़कर चला गया. Genesis 28. हम निकालेंगे उत्पत्ति 28. Verse 10. दसवां वचन. This should produce miracles in your life. और ये आपकी जिंदगी में चमत्कार को ले आएगा. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped there for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. और याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था. इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान में सो गया. Okay, now look at me. Jacob is leaving. अब याकूब निकल रहा है. And it was night. और निकलते रात हो जाती है. And the Bible says he came to a certain place. और बाइबल बताती है कि वो एक किसी स्थान पे आ गया. और रात और उस किसी स्थान और उसने
किसी स्थान पे पहुंचकर, सब बोलो किसी स्थान, बोलो किसी स्थान. इन इंग्लिश इट सेज सर्टेन प्लेस, एवरी इज अ सर्टेन प्लेस. व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वाज दैट? कोई ऐरा गरा जगह, बोलो ऐरा गरा जगह. कोई ऐरा गरा सर्टेन प्लेस. He was traveling. He came to certain place night. Put the stone. और वो यात्रा कर रहा था. फिर किसी स्थान पर वो आ गया. और फिर रात हो गई थी. उसने एक पत्थर लिया अपने सिर के नीचे लेकर सो गया. Okay. Now look at that. He had a dream in which he saw a stairway, a ladder resting on the earth with its top reaching the heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. और तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं. हालेलुया. सब बोलो सीढ़ी. जोर से बोलो यार. बोलो सीढ़ी. अच्छा. देयर वाज अ लैडर. और एक सीढ़ी थी. व्हाट काइंड ऑफ लैडर? किस प्रकार की थी? द लैडर हैज टू एंड्स. और वो उसके दो सिरे थे. एवरी लैडर हैज टू एंड्स. हर किसी सीढ़ी के दो सिरे होते हैं. One end touched the earth. और उसका एक सिरा जो है वो पृथ्वी पे था. The other end touched the heaven. और दूसरा सिरा जो था वो स्वर्ग को छू रहा था. That means there is a connection between heaven and the earth. इसका मतलब कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक संपर्क है, संबंध है. Connection was there between heaven and the earth. और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में संबंध है. And then he saw. और तब उसने देखा. The angels of God ascending and descending. और तब उसने देखा परमेश्वर के स्वर्गदूत चढ़ते हैं और उतरते हैं. Everybody say चढ़ते उतरते. क्यों चढ़ रहे उतर रहे? कोई काम नहीं इसलिए चढ़ते उतरते हैं और चढ़ते. क्यों? कुछ और कोई काम नहीं है ना उनको? काम काम नहीं. नहीं. उतरने का मतलब कुछ काम करने के लिए आ रहे हैं. चढ़ने का मतलब काम करके वापस जा रहे हैं. The angels are not chumma sitting playing marbles. और ये जो स्वर्गदूत होते हैं ये ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ के गोटियां खेलें. They have a task. उनको करने के लिए काम होता. Whatever the task the father comes, they come down, they do it, they go back, report back again. और जो भी काम करने को परमेश्वर देता है वो आते हैं, करते हैं और फिर जाकर परमेश्वर को उसकी रिपोर्ट देते हैं. When I wanted to do this conference, the Lord told me do this. और जब मैं इस कॉन्फ्रेंस को करना चाहता था परमेश्वर ने मुझसे कहा कर तू इस कॉन्फ्रेंस को. I got many mails. और मुझे कई मेल मिले. लोग नहीं आएंगे वो कॉन्फ्रेंस में. लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो वर्किंग डेज है, बारिश का टाइम है, लोग नहीं आएंगे. मैंने कहा आएंगे. नहीं वर्किंग डे लोग कैसे आएंगे? मैंने बोला कोई है मेरा वो उठते और चढ़ते ऊपर जाते, चढ़ते ऊपर जाते. मैं उनको बोलूंगा वो काम करेंगे मेरा काम. यू नो व्हाई? आप जानते हैं क्यों? यू नो व्हाई आई एम सेइंग? क्यों मैं ये कह रहा हूं? There are so many of you here who did not know you will come even till yesterday. और आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे आए हैं जिनको कल तक पता नहीं था कि आप आज यहाँ पे आ पाएंगे या नहीं? Because it was impossible for you to come. और कल तक तो आपके लिए बिल्कुल असंभव था. Some of you did not have money to come for a fare here. और फिर आप में से कुछ लोगों के पास तो यहाँ आने तक के किराए के भी पैसे नहीं. Some of you were so much were held up. Your work spot, your boss said you cannot go. और आप में से कुछ लोग जो थे अपनी काम की जगह पे इतने व्यस्त हो गए थे, आपके बॉस और आपका काम इतना ज्यादा था कि आप आ ही नहीं पा रहे थे. सडनली रास्ता खुल गया, आप आ गए. और अचानक से रास्ता खुला और आप आए. कितने लोग ऐसे खड़ा हो जाओ, मैं जो बोलता हूं खड़े हो जाओ. कितने लोग ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. लुक बैक. आप पीछे मुड़कर जरा देखें. दीस पीपल वर नॉट श्योर टिल यस्टरडे दे विल कम. और ये वो लोग हैं जिनको कल तक ये पता नहीं था कि आज वो यहां पे आ पाएंगे या नहीं. सडनली रास्ता खुल गया. पता है कैसे खुला है? द लॉर्ड टोल्ड मी आई विल सेंड एंजल्स प्रिपेयर द वे दे विल कम. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, स्वर्गदूत उनका रास्ता तैयार करेंगे और वो ये लोग आएंगे.
रैम्बो अकेले नहीं, मेरे लिए काम करने के लिए मेरा पिता कुछ लोगों को भेजा है, वो काम करते हैं मेरे लिए. I want you to know the way opened for you because the angels of God worked opening the way for you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ पे आए क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता के जो स्वर्गदूत हैं, उन्होंने आपके यहाँ तक आने के रास्ते को खोला. Can I hear a loud amen? Please be seated. Hallelujah. Hallelujah. I want you to know that angels are always carrying the assignment. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्वर्गदूत जो होते हैं, वो हमेशा एक काम को लिए हुए होते हैं. Okay, let's continue. आगे देखेंगे. Let's continue. Verse 13. और then there above the ladder stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. और यहोवा के उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ. भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा. The ladder is there. Look at me. अब ध्यान दे, सीढ़ी है. One end touching the earth. यानी सीढ़ी का एक सिरा पृथ्वी पे है. Another end touching heaven. और दूसरा स्वर्ग पे है. On the top. और ऊपर. There was God. वहाँ पे परमेश्वर है. God said to Jacob. परमेश्वर ने याकूब से कहा. I am the God of your father and Isaac. God of Abraham and Isaac. उसने कहा कि देख मैं तेरे दादा अब्राहम का और इसहाक का परमेश्वर. And I will be, you know, I'll go to give the land to you. और मैं तुझे जमीन दूंगा. Verse 15. और पंद्रहवा वचन, I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised to you. और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा. मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा. Look at me. How many times we heard preachers preaching to us, commit to God, you must make a commitment to God, you must make a commitment to God. कई बार हमने प्रचारकों को ये प्रचार करते हुए सुना है कि तुम परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण करो, परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण करो. Do you know something? आप जानते हैं कुछ? When you make a commitment to God, God will make a commitment to you. जब आप परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपके प्रति भी समर्पण करता है. Do you know your God is a God of commitment? क्या आपको मालूम है आपका परमेश्वर समर्पण का परमेश्वर है? देखो क्या बोला. He said, I am telling you, my Jacob, listen. He said, I am with you, will keep you in all places where you go. I will bring you back here in this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा. अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको मैं ना छोड़ूंगा. यीशु के मानने के बाद चाहे कितनी भी गलतियां करो, कितनी भी गलतियां किया है, यीशु के मानने के बाद चाहे कितनी बार तुम लोग गलती किया, कुछ तो किया, लेकिन एक बोलता हूं सुनो, जब तक आप यीशु को नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ भी वादा प्रभु ने किया वो 100% फुलफिल करेगा. You might have made thousands of mistakes. हो सकता है जिंदगी में आपने हजारों गलतियां की. Only one thing. केवल एक बात. Every time you make a mistake, run to God. Don't run away from God. और एक चीज हमेशा जिंदगी में ध्यान दें. जब कभी आप कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर की ओर दौड़े चले जाएं. परमेश्वर से दूर नहीं जाएं. अरे यार, गलतियां कौन नहीं करता है? एक एक बार प्रीचर्स ऐसा खड़ा होकर बात करते हैं जैसा कि जिंदगी में वो गलती नहीं की है. एक ही मिसिंग है उनकी जिंदगी में, दो पंखे नहीं है, बस उतना ही. ऐसा कोई मैन ऑफ गॉड नहीं है जो गलतियां नहीं किया है. ऐसा कोई मैन ऑफ गॉड नहीं है जो जिंदगी में फिसला नहीं है. लेकिन जो फिसलता है, गलतियां करता है, जब तक प्रभु को नहीं छोड़ता है ना, उसके जिंदगी में प्रभु जरूर काम करता है. Hallelujah. Let me tell you, you know, you should know that's your father, man. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को जान लें कि वो परमेश्वर आपका पिता है. You know,
the story of prodigal son. आपको मालूम है वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी. Son came back. वो बेटा वापस आता है. Stayed with its pigs and came with pigs clothing. और फिर वो सुअरों के साथ रह चुका और सुअरों के जैसे गंदे कपड़े पहन के आता है. मस्त परफ्यूम आ रहा था. सुअर का परफ्यूम आ रहा था. सुअर की गंध का परफ्यूम मार के आया था. He came. वो आया. Father saw him. पिता ने उसको देखा. Father ran and hugged him. और पिता दौड़ कर जाता है उस लड़के को गले लगा देता है, चूम लेता है. Kissed him. उसे चूम लेता है. Then said, bring him clothes, bring him चप्पल, bring him ring. और तब वो कहता है कि इसके लिए कपड़े लाओ, इसके लिए जूतियां लाओ, इसके लिए अंगूठी लाओ. Before the father cleaned him, he kissed him. इससे पहले कि वो पिता अपने बेटे को साफ करता, उसने अपने बेटे को चूमा. Father kissed before cleaning. और पिता ने उस लड़के को साफ करने से पहले चूमा. Hallelujah. I remember Ankit studying 5th standard, 6th standard. और मुझे याद है अंकित जब 5 या 6 कक्षा में पढ़ता था, जब स्कूल से आता था, 15 माइल से उसका पसीना का परफ्यूम घर में आता था. जब पूरा यहां से वहां, तो घर चेहरे पे धूल, क्या बोलते उसको, परफ्यूम के क्या स्वेटर, क्या बोलते ब्रदर, पसीना पसीना पसीना, मड डस्ट, प्लेइंग विद चिल फ्रेंड्स हु कम. पापा मोमेंट आई सी माय सन, आई यूज्ड टू हग हिम, आई नेवर टोल्ड, हे पहले जैकेट गंद किया, पहले नहा के मेरे पास, नहीं रे बाबा. Before I cleaned him, I kissed him first. और मैंने भी ऐसा किया, जब भी बेटा मेरा दौड़कर मेरी बाहों में आता था, मैंने उसको नहाने को जाने से पहले उसको चूमा है. गलती करने के बाद पिता को छोड़ के मत जाओ, पिता के पास आ जाओ. He will kiss you, he will clean you, he will restore you back again. और तब वो आपको चूमेगा, आपको साफ करेगा और फिर से आपके स्थान पर ले आएगा. Can you hear it? Hallelujah. That's a commitment. और इस प्रकार का समर्पण है परमेश्वर. I will not leave you. वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोडूंगा. Until I fulfill everything I promised you. जब तक जो मैंने वादा तेरे साथ किया है पूरा ना कर लो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. ये जो वादा किया था परमेश्वर वहां पे, ऐसा आदमी को नहीं किया कि वो 6 पंखे वाला था. सबसे बड़ा झूठा 420 नहीं 840 था वो. हाँ, 420 नहीं 840 था वो. इतना बड़ा गंदा, माँ को, बूढ़े बाप, अंधे बाप को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, धोखा धोखा, 420 नहीं 840. ऐसा आदमी से प्रभु बोल रहे, I will not leave you until I fulfill everything I promised to you. That's a God of commitment, man. Hallelujah. इस प्रकार का हमारा समर्पण वाला परमेश्वर है. Whatever mistakes you do, don't run from God, run to God. जो भी गलती आपके हाथ से होती है, ऐसी दशा में परमेश्वर से दूर नहीं भागे, परमेश्वर के पास आ जाए. Can you hear it? Hallelujah. Hallelujah. Somebody is here. You have made messed up your life. You always wanted to stop your ministry. You always wanted to give up everything. But today I want to tell those people, hear what your father is telling you. He is telling you, he is not mad at you. He wants to kiss you, clean you and restore you back again. आप यहाँ पर आए हैं, ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसके हाथ से गलतियां हुई हैं और उस गलती की वजह से आपने जो है मिनिस्ट्री या सेवकाई से भी दूर जाने की सोची है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप जिस दशा में हैं, परमेश्वर के पास अपने पिता की बाहों में दौड़े चले जाएं. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको चूमेगा और फिर से आपको पुनर्स्थापित करेगा. हाउ डू यू नो ब्रदर रैम्बो दिस थिंग? भाई राम बाबू, आपको ये बात कैसे पता चली? अरे मेरे से हुआ ना, कितने गलतियां की, फिसला, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, जब तक मैंने प्रभु को पकड़ के बैठा ना, वो मुझे छोड़ा नहीं, छोड़ेगा भी नहीं. हालेलुया. गॉड मेड दिस कमिटमेंट. और फिर परमेश्वर ने ये वायदा उससे किया. ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट वर्स. अगला वचन पढ़ें. When Jacob, verse 16, when Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place. I was not aware of it. और तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था. Look at me. This is amazing. You know, listen. Pastor Deepak, listen to me. You know, listen. Pastor Tony, Pastor Daman, listen. This is something which, you know,
common to all the pastors. और ये वो बात है महत्वपूर्ण बात जो हर एक पास्टरों के लिए आमतौर की है. Now look at what Jacob said. अब देखिए याकूब ने क्या कहा. The Lord is in this place. कि देखो परमेश्वर यहोवा यहाँ है. But I did not know it. लेकिन मैं उसे नहीं जानता था. परमेश्वर है लेकिन मैं नहीं जानता था. That means he was not aware of the presence of God. इसका मतलब ये हुआ कि वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में उसे पता नहीं था. In the church, कलीसिया में, you are preaching. आप प्रचार कर रहे हैं. Two people are sitting side by side hearing the word of God. और दो लोग बैठे हैं अगल बगल में और वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं. One listening to the preaching. God is speaking to him. Lord, take it. One another person sitting by his side only. आप इन दोनों लोगों में देखेंगे एक तो व्यक्ति आपके प्रचार को सुनकर रो रहा होगा और दूसरा व्यक्ति अपनी घड़ी देख रहा होगा कि और कितनी देर होगा मुझे घर जाना है. One saying, "Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah." One fellow, another fellow sitting by you. एक व्यक्ति होगा वो जो रो के हालेलुया हालेलुया कह रहा होगा और दूसरा नींद निकाल रहा होगा. One person will go back fully revived. Other person, एक व्यक्ति है वो बिल्कुल नया होकर आत्मा में उत्साहित होकर जाएगा और दूसरा व्यक्ति ये सोच के जाएगा रे बाप रे कितनी देर तक इन्होंने चर्च. Why? क्यों? The one who was touched because he was aware of the presence of God. The other one was not aware of the presence of God. वो व्यक्ति जिसने कलीसिया में स्पर्श को पाया वो जान गया कि परमेश्वर यहां पर है. जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं हुआ उसे पता ही नहीं था कि यहां परमेश्वर है. It is not the pastor's problem. It is you who was not aware of the presence of God there. और ये पास्टर की समस्या नहीं है, ये आप है जिसे पता ही नहीं चल पाया कि वहां पे परमेश्वर था. The important thing for every child of God is being aware of the presence of God. परमेश्वर की संतानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत हो और जान जाए कि यहां परमेश्वर है. When you are aware of the presence of God, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं, जब पुकारो दौड़ के आता है. I'm telling you, you know, if you're a man who's always walking conscious of the presence of God, the moment you call him, he will come. और आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हुए चलते हैं तो ऐसे में आप कभी भी जब भी पुकारेंगे परमेश्वर दौड़ के चला आएगा. कैसा होता है ब्रदर? होता है. दिखाओ. फादर आई वॉन्ट यू टू कम नाउ. His presence is here. उसकी उपस्थिति यहां पर है. Do you sense the presence of God? आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं? Huh? You don't need to struggle. When you call, he comes. आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब भी आप बुलाएंगे वो आ जाएगा. In fact, he says, before you call, I will answer. सच में देखा जाए तो वो कहता है कि इससे पहले कि तू पुकारे मैं उत्तर दे दूंगा. क्यों? He knows you're going to call him. क्योंकि उसे पता है अभी आप उसको पुकारने वाले हैं. Before a word comes from your mouth, he knows what you're going to tell him. आपके मुंह से शब्द निकलने से पहले परमेश्वर जानता है कि आप उसको क्या बोलने वाले हैं. Jacob said, याकूब ने कहा, Truly the Lord is in this place, but I did not know it. उसने कहा कि सच में परमेश्वर इस जगह पे था और मैं उसे नहीं जानता था. No. The Lord is present and you will see miracles happening all the time. और इस बात को जान ले कि परमेश्वर उपस्थित है और आपके जीवन में हमेशा चमत्कार होंगे. You know what I'm saying, I don't know how many of you understand. If you are a man who has a heart for ministry, the power of the supernatural, you will understand my heart. Because what I'm saying is, you know, with my hunger, my experience of walking with God. और जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपके अंदर परमेश्वर की सेवकाई करने का चाहत है, हृदय है, और अलौकिक अद्भुत में चलने की आपकी चाहत है, तो आप इस चीज को समझेंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे. Just look at me. You know, imagine I have a dove sitting on my shoulder. और कल्पना करें कि मेरे कंधे पे एक कबूतर बैठा है. And I don't want the dove to fly away. और मैं नहीं चाहता हूँ कि कबूतर उड़े. So what do I do? तो मैं क्या करूंगा? Everything I do with the conscience of the dove on my shoulder. और मैं जो भी हालचाल करूंगा वो ये ध्यान देकर करूंगा कि ये कबूतर मेरे कंधे पे बैठा रहे. हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? So when I walk, I do anything, I do with the conscience,
You should not fly away. और मैं जब चलूंगा या कुछ भी करूंगा तो मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगा कि मेरी हलचल से कहीं ये कबूतर उड़ न जाए. That's what I do in my life. और ऐसे ही मैं अपने जीवन में करता हूं. I always keep my heart such a way looking at, you know, any bitterness, anything should not come that keeps the dove flying away from me. I don't want to lose the sense of the presence of God in my life. और मैं हमेशा जिंदगी में ये ध्यान देता हूं कि कोई कड़वाहट मेरे अंदर नहीं आए या कुछ ऐसी बात ना हो जिससे ये जो कबूतर यहां पे बैठा है वो उड़ न जाए. यानी मैं अपने आप में हमेशा ध्यान देता हूं. Hallelujah. Jacob said, I did not know the Lord was here. याकूब ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर यहां पर है. Verse 17. 17वां वचन. He was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है. ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा. Beautiful, listen. First, where did he sleep? और आप पहले देखें वो कहां सोया. Certain place. किसी स्थान पे सोया. Certain place. But the moment God showed up, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति को उसने जान लिया, the certain place changed into awesome place. तो किसी स्थान जो है वो स्थान बदल के अद्भुत जगह बन गई. Hallelujah. What makes a certain you into awesome you? देखिए कौन सी ऐसी बात है जो आप किसी व्यक्ति को अद्भुत व्यक्ति के रूप में बदलता है. The presence of God. और वो है परमेश्वर की उपस्थिति. You are not understanding. I said the presence of God. मैंने कहा परमेश्वर की उपस्थिति. Any man who carries the presence of God is not a certain man. He is a special man. कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चलता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, विशेष व्यक्ति है. Find a man who carries the presence of God. Stick to that person and you will know how your life will change. आप ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता है, उसके साथ आकर जुड़ जाएं, फिर आप देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है. Do you know what's my desire? आप जानते हैं मेरी इच्छा क्या है? The Lord tarries. और परमेश्वर अगर आने में देर करता है, I may finish my journey. तो मैं अपनी यात्रा को पूरा करना चाहता हूं. No, if the Lord tarries and if I go home before the Lord comes. और अगर प्रभु के आने से पहले मैं परमेश्वर के पास चला जाता हूं, the one way I want to be remembered. तो मैं चाहता हूं कि एक तरीके से मुझे लोग पहचाने जाने, याद करें. The man who carried the presence of God. बस यही कि ये ऐसा आदमी था जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता था. क्या ऐसा ऐसा मुझे लोग याद रखना है कि क्या यार वो आदमी आए तो परमेश्वर आ जाता है, वो परमेश्वर को लेके घूमता है वो. I want that testimony about my life. और मैं इस प्रकार की गवाही अपनी जिंदगी के बारे में चाहता हूं.